वाराणसी में बीएचयू सिंह के द्वार पर विश्वविद्यालय परिसर को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए चौथे दिन छात्रों का धरना जारी है, लेकिन अब छात्रों ने अपने आंदोलन को आमरण अनशन में तब्दील कर दिया है और दोनों मिनी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आवाजाही थोड़ी सुचारू हुई है। छात्रों ने आंदोलन को रचनात्मक मोड़ देते हुए पोस्टर वर्कशॉप का आयोजन किया है, जहां वे अन्य छात्रों को प्रशिक्षण देते नजर आए। छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ठोस निर्णय नहीं मिलता है, तब तक वे लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा मुख्य द्वार से विश्वनाथ मंदिर तक स्टूडेंट मार्च भी निकाला जाएगा। पिछले 22 तारीख से धरने पे बैठे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया निहायती क्रूर और तानाशाही, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने जो है कि रणनीति में एक बदलाव लाया है और हम लोग भूख हड़ताल पर आमरण से कब तक बैठे रहे? जब तक हमारी मांगे वहाँ मान ली जाए तब तक हम बैठे। अब तक विश्वविद्यालय के लोग आपसे मिलने आए प्रशासन के लिए तो बात नहीं बनती? विश्वविद्यालय खुलवाने की जो मांग है, तो यह मांग जिसके क्षेत्राधिकार में आता हो, भाई चीफ प्रॉक्टर आके इसके बारे में क्या कह सकते हैं? चीफ प्रॉक्टर के क्षेत्राधिकार में ये बात आती ही नहीं है कि वो विश्वविद्यालय खुलवा सके या बंद करवा सके। तो यहाँ पे वीसी को आना चाहिए, वीसी को डायलॉग करना चाहिए, लेकिन वीसी जो है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, वीसी नहीं आना है। आप बैठेंगे, आप ही बैठेंगे कि और आप भी? सिर्फ हम बैठेंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह से बेबस दिखाई दे रहा है। 3 दिनों तक छात्रों से बातचीत के दौर में विश्वविद्यालय और छात्रों को आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सका है।